दोष दान गुण गान गन अरि करे हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधार सिदा समय सार शिव सर्वगत नमते हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण सात पद मुद्रित रहित हर मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान दान धन लीन मैन बान बिन दान धन एन इन तन छीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम ज्यो भानु द्योत। गुलिस्तान विवेचन पेज नंबर निकाल लीजिए 92। दूसरे गुलिस्तान के संदर्भ में अपनी यहाँ आज चर्चा चलेगी और संभवतः आज अपना दूसरा गुलिस्तान समाप्त भी हो जाएगा। देखिए क्या चीज। हाँ सही बात है, मैं भी कल जब यहाँ से गया ना तो मैं भी यही सोच रहा था कि इस गुड़स्तान के संदर्भ में इतनी कम चर्चा, मतलब इतना विषय इतना कम क्यों है, काल भी तो इतना कम ही है। जब कम काल है तो उसके संदर्भ में विषय भी बहुत कम है और वो आधी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान भी रही हैं। देखिए अब अपन आगे बढ़ते हुए काल अपेक्षा विचार देखते हैं। 92 पेज नंबर निकाल लीजिए। आप सभी लोगों को कल जिस जो चर्चा में थे उनको याद भी होगा जघन्य काल कितना है, उत्कृष्ट काल कितना है ना, क्योंकि वो परिभाषा में ही आ गया था। जघन्य काल कितना है, एक समय, और उत्कृष्ट, बस इतना सा आंसर है। देखिए काल अपेक्षा विचार और मध्यम काल कॉमन सेंस वाला है, एक समय से लेकर छह अवली काल तक का जितना भी बीच का समय है वह सब मध्यम काल कहलाएगा। देखिए काल अपेक्षा विचार, जघन्य काल, इस गुलिस्तान का जघन्य काल मात्र एक समय है, अर्थात कोई जीव छठवें आदि गुलिस्तानों में से औपशमिक सम्यक के साथ गिर कर इस सासाधन सम्यक्त गुड़स्थान में आ जाए तो वह कम से कम इस गुड़स्थान में मात्र एक समय रह सकता है, तदंतर वह नियम से मिथ्यात्व गुड़स्थान में गमन करता है। ये भी नियम है, ठीक है। आगे उत्कृष्ट काल, देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, जहां भी नियम की चर्चा आए, जहां भी सिद्धांत की चर्चा आए, समझ लेना वहां क्रमबद्ध पराय घटित हो जाएगी आपकी बिना डाउट। नियम है ऐसा नक्की है, ऐसा निश्चय है, ये सिद्धांत है, तो समझ लो क्रमबद्ध, यही सब क्रमबद्ध पर्याय को बताते हैं, जगह जगह क्रमबद्ध पर्याय ही तो है। देखिए उत्कृष्ट काल, यदि कोई जीव इस सासाधन सम्यक्त गुणस्थान में अधिक से अधिक काल पर्यंत रहेगा तो मात्र छह आवली काल पर्यंत ही रह सकता है, तदंतर नियम से वह मिथ्यात्व गुणस्थान में ही गमन करता है, अतः इसका उत्कृष्ट काल छह आवली है। इसका मतलब कोई छह अवली से एक समय अधिक रुकना चाहे सचिन तो नहीं रुक सकता, और अगर कोई एक समय से, अरे यार एक समय से कम भी अगर निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकता, ये ऐसा नियम है। मध्यम काल, दो तीन चार पांच समय आदि से लेकर एक अवली, दो अवली, तीन चार पांच अवली, अधिक एक समय, दो समय से लेकर, ये सब बनाना आ रहा है आप लोगों को, है ना, ये समझ में आ रहा है, जैसे एक समय, दो समय, तीन समय, ऐसे संख्यात समय, ऐसे असंख्यात समय कि एक आवली, फिर एक आवली प्लस एक समय, एक आवली प्लस दो समय, एक आवली प्लस तीन समय, ऐसे 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 संख्यात और असंख्यात, फिर कितनी हो गई, दो आवली, ऐसे करके पांच आवली हो गए, पांच आवली प्लस एक समय, पांच आवली प्लस दो समय, ऐसे ही कह रहे हैं। ये जितना भी काल होगा ये सब मध्यम काल है। पांच आवली अधिक एक समय, दो समय से लेकर तीन चार पाँच और आखिर का एक समय कम छः आवली पर्यंत के सर्व भेद सासाधन सम्यक्त के मध्यम काल के भेद हो सकते हैं। चलो मैं कॉमन सेंस आपका टेस्ट करता हूँ किसी का,
देखते हैं आपके अंदर कॉमन सेंस कितना है। ये आगम का नहीं है लेकिन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है जो मैं अगला पूछूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर छह आवली कम एक समय क्यों लिखा? लो इनको बहुत जल्दी थी, शांति से नहीं बता पा रहे थे ना, और जोर से बोल रहे थे। चलो पीछे तक तो नहीं पहुंचा होगा शायद, क्यों सचिन पहुंचा? आवाज आई थी वहां तक तो बताओ, आवाज आई थी तो बता दो, नहीं आई थी तो भी बता दो। मेरा प्रश्न बहुत सीधा सा है और ये कॉमन सेंस का है। मेरा प्रश्न बस इतना सा है, मध्यम काल की चर्चा करते वक्त यहाँ पर छह आवली से एक समय कम क्यों लिया? वो एक समय कहाँ जाता है, किधर गया वो एक समय? आप घपला कर रहे हो एक समय का, घोटाला बता। हमें नहीं आया समझ में। लक्षित बताओगे आप? आयुष बराबर, क्योंकि वो उत्कृष्ट काल हो जाएगा। ये कॉमन मतलब सीधा सा आंसर था, अगर वो छह आवली ही बता देंगे तो उत्कृष्ट काल नहीं हो जाएगा। ये कुछ ऐसा बहुत भयंकर वाला क्वेश्चन नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीधा सा मैं आपका लॉजिक टेस्ट थोड़ा कॉमन सेंस यूज करने देखता हूँ कितना आप लोग यूज करते हो। चलो आगे आगे बढ़े अपन। हाँ सिद्धांत तो बताते भाई, तुमने उदाहरण बता दिया। चलो मैंने उदाहरण मैंने सुना पूरा तुम्हारा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उदाहरण के बाद सिद्धांत आएगा। तो सिद्धांत तो आए ही नहीं, ऐसे उदाहरण किस काम के जिसमें सिद्धांत ना आए? हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आता है वो तो। मैं मेरे को भी पता था कि आप सभी को ही आता होगा। देखो अगला गमना गमन अपेक्षा विचार। अब आप लोग ने बोर्ड नहीं रखा तो फिर ऐसे ही समझ लेते हैं अपन, जरूरत नहीं है कोई बात नहीं, छोटा सा भी है तो जरूरत भी नहीं है, इतना टिपिकल भी नहीं है, इसलिए भी मैं नहीं फोर्स कर रहा। देखिए 92 पर अपन निकाल लीजिए गमना गमन अपेक्षा विचार। अब यहाँ ये चर्चा करने वाले हैं कि दूसरे गोलस्थान से ये जीव कहाँ गमन करता है और कहाँ से इसका आगमन होता है। गमन तो बस मात्र और मात्र एक जगह जाता है, किधर? पहले में, बैक टू पवेलियन, है ना, वापस आ जाते हैं उस पहले गुड़स्थान में। और ये नियम है, ये निश्चित है कि दूसरे गुड़स्थान वाला पहले गुड़स्थान में वापस जाता ही जाता है। ठीक है देखो गमना गमन अपेक्षा विचार, देखती पहले गमन देखते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि जीव नियम से नीचे मिथ्यात्व गुड़स्थान में ही गमन करता है, नियम से। मिश्र अविरत सम्यक्वादी ऊपर की गुणस्थानों में सासाधन सम्यक दृष्टि का गमन नहीं होता क्योंकि उसका मुख ही मिथ्यात्व की ओर हो गया है। मुख ही मिथ्यात्व की ओर हो गया है मतलब ऊपर से कोई फल गिरा तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वापस वो ऊपर फल में जाके ना कुछ ऐसा हो, क्योंकि स्प्रिंग के लिए भी तो नीचे आना जरूरी है, नीचे तो आना ही पड़ेगा ना स्प्रिंग के लिए। ऐसा तो नहीं हवा में ही स्प्रिंग का काम हो जाए, हवा में भी काम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पीछे से वैक्यूम क्लीनर लगाया तो वो वापस पीछे आ गया, एक बार नीचे गया तो वो मुख नीचे की ओर है ना तो वो नीचे ही जाएगा। या ऐसा ये दूसरे गुणस्थानवर्ती के लिए भी नियम है कि दूसरे गुणस्थानवर्ती जो जीव है वो पतन हो रहा है उसका, तो पतन निश्चित रूप से वो पहले गुणस्थान में पतन होगा क्योंकि अन्य कोई पतन का रास्ता ही नहीं है। देखो इसीलिए क्योंकि उसका मुखी मिथ्यात्व की ओर हो गया है, इस कारण उसकी पर्यायगत पात्रता ही मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में ही प्रवेश करने की है। जैसे पेड़ से फल नीचे गिर रहा हो तो वह नीचे जमीन पर नियम से गिरेगा ही, बीज के अंतराल से वापस पेड़ पर नहीं जा सकता, वैसे सासाधन सम्यक्ति जीव, आ गया होगा सभी को समझ में, वैसे सासाधन सम्यक्ति जीव सम्यक्त से छूट गया है, मिथ्यात्व के अभिमुख हो गया है, अब सासाधन से ही उपरिम गुणस्थानों में जाने का उसे अवसर नहीं है। अब तो मिथ्यादृष्टि होना ही अनिवार्य है, फिर मिथ्यात्व गुणस्थान से यथासंभव ऊपर के गुणस्थानों में पुनः पुरुषार्थ करने से गमन करना संभव है। ये स्प्रिंग का काम हो गया। आगे आगमन, तो गमन तो सिर्फ एक जगह होता है वो है पहला गुणस्थान, अब आगमन कहाँ कहाँ से होता है मतलब दूसरे गुणस्थान में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। देखिए पहला औपशमिक सम्यक दृष्टि प्रमत्त संयत गुणस्थान वर्ती, मैं पूछ लेता हूँ देना। लक्षित इसमें औपशमिक सम्यक दृष्टि क्यों लिया? तो
तो 600 में क्यों नहीं लिया? प्रशांत, सचिन, ये कल वालों को टारगेट कर रहा हूँ मैं। हाँ इसीलिए तो। शाश्वत, अच्छा घर गए। सिद्धार्थ नहीं है। और आयुष बताओ। ये लो जितें। आप लोग समझ रहे हो क्यों कहा ये? मैंने इसलिए कहा कि अपना एक दिन की भी अगर क्लास छूट जाती है तो अपना पिछला वाला विषय ध्यान में नहीं आता, इसलिए मैंने कहा। और जबकि ये मैं सारी चर्चा अब मैं कल वालों से किसी से भी पूछूं तो उसके आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि औपशमिक सम्यक दृष्टि ही क्यों गिरता है, उसमें से प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि ही क्यों गिरता है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ इतना बताना था कि अगर हम एक दिन भी स्किप कर देते हैं तो हमारा पिछला विषय छूट जाता है, और वो पिछले विषय का छूटने का मतलब है अब आगे के आपको ये सारा विषय थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि आगमन कहाँ कहाँ से होता है। औपशमिक सम्यक दृष्टि प्रमथ संयत गुणस्थानवर्ती भावलिंगी महापुरुष सीधे सासाधन सम्यक गुणस्थान में आ सकते हैं। हमने कल ये भी चर्चा की थी कि छठवें गुणस्थान वाले ही क्यों आते हैं, है ना, सातवें गुणस्थान वाले क्यों नहीं आते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं छठवें गुणस्थानवर्ती जो औपशमिक सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं उनका इसमें इस गुणस्थान में दूसरे में गमन होता है, मतलब छठवें से दूसरा, ऐसे लाइन खींच लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, औपशमिक सम्यक दृष्टि का देशवृत्त गुणस्थान से अर्थात व्रति श्रावक अवस्था से सीधे सासाधन सम्यक गुणस्थान में आना बन सकता है, मतलब छठवें से आ सकते हैं, पांचवें से आ सकते हैं, और अगला कहने वाले हैं चौथे से आ सकते हैं। औपशमिक सम्यक दृष्टि का अविरत सम्यक नामक चौथे गुणस्थान से भी सासाधन सम्यक गुणस्थान में आना संभव है, क्योंकि औपशमिक सम्यक दृष्टि ही सासाधन सम्यक्ति हो सकते हैं, अन्य सम्यक दृष्टि नहीं, यह अकाट्य नियम है। चलिए आगे। कुल मिला के इतनी सी बात है कि इसमें जो गमन होता है दूसरे गुणस्थान से वो पहले गुणस्थान में गमन होता है, और आगमन छठवें से होता है, पांचवें से होता है, और चौथे से होता है। जो छठवें पांचवें और चौथे गुणस्थानवर्ती जो जीव दूसरे में आते हैं वे औपशमिक सम्यक दृष्टि ही होते हैं, यह नियम होता है। वे शायिक सम्यक दृष्टि नहीं होते, वे क्षयोपशमिक नहीं होते हैं। इसका कारण क्या था वो कल समझ लिया है, और यहाँ तो नियम की अपेक्षा से भी बात बता दी है। आगे विशेष अपेक्षा विचार, ये आप सभी लोगों को इस एंगल से याद, मैं आपको बता भी दूँ कि आप लोग को ध्यान कैसे रखना है इतना सारा ये मटेरियल। जैसे हर गुणस्थान के पॉइंट्स हैं, उसकी परिभाषा, सम्यक अपेक्षा विचार, चारित्र अपेक्षा विचार, काल अपेक्षा विचार, गमनागमन अपेक्षा विचार, और विशेष अपेक्षा विचार, शायद सारे पॉइंट्स आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? सारे पॉइंट्स आ गए। ये पॉइंट्स आप सभी लोगों को ध्यान रखने ही रखने हैं। जो लोग जो गुणस्थान, हाँ आप लोग को तो 20 नंबर भी हैं गुणस्थान सुनाने के, तो जो गुणस्थान सुनाया जाएगा वो भी इसी एंगल से सुनाया जाएगा। बीच बीच में जो प्रश्न हैं वो अपन चर्चा के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न ना पूछे नहीं जाएंगे ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन वो ध्यान में रखना चाहिए। आपको सुनाने की वो ज़रूरत नहीं है, जब आप कंठ पाठ करेंगे तो उसको सुनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखना मैट उसका पूरा हमें ध्यान रहना चाहिए। बाकी उससे भी इतने बड़े प्रश्न नहीं बनेंगे, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा ना लगे। अब यहाँ पर विशेष अपेक्षा विचार बता रहे हैं, पढ़ते हैं अपन विशेष अपेक्षा विचार। इस गुणस्थान की क्या विशेषता है? पहला, यदि सासाधन सम्यक्त गुणस्थान में रहते हुए किसी जीव का मरण होता है तो वह जीव मरण उपरांत नरक गति में नहीं जाता, क्योंकि सासाधन सम्यक्त का काल औपशमिक सम्यक्त का ही काल है, और सम्यक दृष्टि जीव नरक जाता ही नहीं, यह नियम है। सम्यक दृष्टि जीव नियम नरक में नहीं जाता, ये भी नियम है। छह डाला में भी अपन पढ़ते हैं, रत्नगण श्रावकाचार में भी आप लोगों ने पढ़ाई होगा, अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, है ना, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। लेकिन कब? जब नरक आयु ना बंदी हो, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है बद्धायुष्क ना हो। तो बद्धायुष्क का मतलब ही होता है कि अगर नरक की आयु बंदी नहीं हो, तो अगर सम्यक दर्शन से पूर्व ही उसने नरक की आयु बांध ली, है ना, जैसे हम प्रसिद्ध उदाहरण राजा श्रेणिक का हमारे सामने ही है, उन्होंने सम्यक दर्शन से पूर्व नरक गति की आयु बांध ली थी, फिर बाद में सम्यक की प्राप्ति की, तो उसमें नो चेंज। लेकिन अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति है
तो उससे नरक गति का बंध नहीं होता, ऐसा नियम है। और दूसरे गुणस्थान वर्ती को नरक गति का बंध नहीं होता, वो नरक नहीं जाता। इसका तात्पर्य यह है क्योंकि वो किसका काल चल रहा है, सम्यक का काल चल रहा है ना, औपशमिक सम्यक का काल चल रहा है ना, इस अपेक्षा से यह कथन किया जा रहा है। अगला क्या चीज, नहीं उसमें क्या चीज़? हाँ तो पहले बंद कर ले, तो जैसे सम्यक दर्शन के संदर्भ में वैसे उसके संदर्भ में भी हो सकता है, लेकिन इसीलिए लिखा ना बद्धायुष्क ना हो, इसका मतलब क्या होता है बोलो। हाँ तो हो, जरूरी थोड़ा ना कि आ ही जाए, वो तो संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण जैसे परिणामों के निमित्त से होते हैं। अगर वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है तो उत्कर्षण होगा, वो उत्कर्षण अपकर्षण जैसा होता है वो जैसा होगा वैसा होना होगा। देखो, तीर्थंकर और आहारक द्विक की सत्ता सहित जीव सासाधन सम्यक गुणस्थान में जाता ही नहीं। ये सारे नियम हैं, है ना, ये नियम होते हैं कि तीर्थंकर के जीव नहीं जाएंगे। और आहारक द्विक, आहारक द्विक का मतलब ये होता है जिसके आहारक शरीर और आहारक शरीर अंगोपांग नामक कर्म, इसको बोलते हैं आहारक द्विक, है ना। इनकी लिखने की जरूरत नहीं, आगे है, मत लिखना, आगे है। देखो, आहार शरीर और आहारक अंगोपांग नाम कर्म दोनों को आहारक द्विक कहते हैं। आहारक रिद्धिधारी, सभी समझते हैं ना आहारक रिद्धिधारी, क्योंकि हम लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़कर आए हैं ये आहारक शरीर किसे कहते हैं, यद्यपि इसमें भी यहाँ रिपीट किया जा रहा है। आहारक रिद्धिधारी छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को जिनवाणी के अध्ययन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होने पर अथवा जिनालय की वंदना करने के लिए उनके मस्तक में से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ श्वेत सप्त धातु रहित पुरुषाकार पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। ये तो आहारक शरीर की परिभाषा हो गई, यह है आहारक शरीर। छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को एक बात यहाँ बहुत अच्छा स्पष्ट बता दिया कि छठवें गुणस्थानवर्ती जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, तो यहाँ कहा तत्वों के संदर्भ में, या इधर तो बहुत अच्छे शब्द प्रयोग किए, जिनवाणी के अध्ययन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होने पर। लेकिन अपन लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में जाकर देखें ना, तो वहाँ लिखा है तत्वों के संदर्भ में शंका होने पर, लेकिन वो तत्वों के संदर्भ में ऐसा मतलब समझना कि उनको प्रयोजन भूत जीवादी सात तत्व में कुछ शंका होती हो, जैसे क्या आश्रबंध दुख का कारण है कि नहीं, अरे यार मुझे शंका हो रही है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसी शंका है तो संशय है, और ऐसा संशय तो सम्यक मिथ्या दर्शन की निशानी है। ये तो प्रयोजन भूत के संदर्भ में शंका हो गई, फिर सम्यक दर्शन का ठिकाना कहाँ रहा? तो ये इसके संदर्भ में शंका नहीं होती। जो अप्रयोजन भूत विषय हैं, अप्रयोजन भूत विषय कैसे हैं, स्वर्ग है, नरक है, भौगोलिक वर्णन है, कर्मों का वर्णन है, प्रथमानियों का वर्णन है, इसके संदर्भ में थोड़ी बहुत शंका हो जाए, है ना, कि भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था, पता नहीं राजा सिद्धार्थ था कि जाने क्या था, इस संदर्भ में अगर हो जाए तो ये अप्रयोजन भूत है, ये चल सकता है। चल सकता का मतलब ये है, ये प्रयोजन भूत, ये सम्यक दर्शन को इफेक्ट नहीं करता। ऐसे ही कर्मों के संदर्भ में शंका हो कि यार इसके पहले गुणस्थान में कितने कर्मों की बंध विच्छुति, अरे दूसरे में किसकी, अरे ये क्या है, ये कैसा होता है, ये कैसे, इसके संदर्भ में कर्णानियों संबंधी शंका हो, स्वर्ग 16 होते हैं, इस तरीके के कैसे देवों की व्यवस्था है, तो ये अप्रयोजन भूत संबंधी जो विषयों में शंका है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो आगे स्पष्ट कर दिया है, छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को प्रयोजन भूत सात तत्व और द्रव्य गुण पर्याय संबंधी शंका नहीं होती, क्योंकि छठवां गुणस्थान है, इसलिए क्योंकि इन विषयों का यथार्थ निर्णय तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व ही हो जाता है। जिनवाणी अगाध है और मुनिराजों का छायोपशम ज्ञान तो सीमित ही होता है, अतः अप्रयोजन भूत अनेक विषयों के संबंध में प्रश्न तो हो ही सकते हैं, उनके सहज समाधान के लिए यह प्रक्रिया संपन्न होती है। आहारक द्विक की सत्ता वाले मुनिराज विशिष्ट परिणाम के धारक होते हैं, अतः वे सासाधन सम्यक गुणस्थान में नहीं आते, ऐसा समझना चाहिए। और ये नियम है, दो लोग नहीं आते, कौन कौन नहीं आते, है ना, तीर्थंकर, देखो यहाँ ये मूल मुद्दे की ध्यान रखने की, तीर्थंकर की सत्ता जिसकी है, तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता जिसकी है, और आहारक द्विक, आहारक शरीर नाम कर्म और आहारक अंगोपांग नाम कर्म, ठीक है, इन ये दोनों दो, ये दो इस प्रकार के जो दो जीव होते हैं वे दूसरे गुणस्थान में नहीं आते, दो लोग दूसरे गुणस्थान में नहीं आते। अगला तीसरा पॉइंट, द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव के सासाधन सम्यक्त भाव परिणाम को पारिणामिक भाव भी कहते हैं। टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आपको शॉक्ड भी दे सकते हैं, मैं पहले समझा देता हूँ फिर पढ़ना सही समझूंगा। यहाँ कह रहे हैं कि द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव जो हैं और उसके जो परिणाम होते हैं उनको पारिणामिक भाव भी कहते हैं।
ये पारणामिक भाव है साहब, ये कैसे, ये समझ में नहीं आया। पारणामिक भाव दूसरे गुणसानवर्ती जीव के भावों को, देखो अपन पारणामिक भाव की परिभाषा जो पढ़ते हैं, आप लोगों ने तत्वज्ञान पाठमाला में भी पढ़ा होगा पंच भाव के पाठ में, तो पारणामिक किसे कहते हैं, जिसमें उदय उपशम क्षय क्षयोपशम इनसे कोई रिलेशन ना हो, इसमें शब्द जुड़ा है कर्म निरपेक्ष, ये शब्द जुड़ा है टोटल कह सकते हैं, जो कर्म निरपेक्ष हो, कर्म निरपेक्ष हो, कर्म के उदय कर्म के उपशम ये सब किसके होते हैं, उदय होना उपशम होना क्षय होना क्षयोपशम होना ये सब कर्मों का होता है कि नहीं होता है, तो ये कह रहे हैं जो कर्म निरपेक्ष होता है उसको पारणामिक बोलते हैं, चाहे वो उदय हो उपशम हो क्षय हो या क्षयोपशम हो, ठीक है विनीत। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व, जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान होता है तो उसमें दर्शन मुनि कर्म का उदय रहता है कि नहीं रहता है, दूसरे गुणस्थानवर्ती को दर्शन मोहिनी कर्म का ना उदय है ना उपशम है ना क्षय है ना क्षयोपशम है, इस अपेक्षा से यहाँ कह रहे हैं कि दर्शन मोहिनी का उससे कोई संबंध नहीं है अभी इस गुणस्थान का, इस गुणस्थान के होने में है ना, इस गुणस्थान के होने में दर्शन मोहिनी का कोई संबंध, अंतानुबंधी का तो है लेकिन दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, दर्शन मोहिनी का कोई संबंध नहीं है इसलिए उसको पारनाग में भी कहा गया, एक विवक्षा है एक कथन करने की पद्धति है, बस इतना आपको समझना चाहिए। अब देखो यही समझा रहे हैं, द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव के सासाधन सम्यक्त भाव परिणाम को पारनामिक भाव भी कहते हैं, क्योंकि जीव का जो परिणाम कर्म के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा से रहित होता है उसे पारनामिक भाव कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार सासाधन सम्यक रूप परिणाम दर्शन मोहनीय कर्म के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा के बिना ही होता है। इसमें दर्शन मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, कल ही समझा दिया था कि दूसरे गुणस्थान के होने में दर्शन मोहनी का कोई रोल नहीं है, इसीलिए यहां कह रहे हैं ना उसके उदय से हुआ ना उपशम से हुआ ना क्षय से हुआ ना क्षयोपशम से हुआ, इस अपेक्षा से कहा। इस परिभाषा के अनुसार सासाधन सम्यक्त परिणाम दर्शन मोहनीय कर्म के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा के बिना ही होता है, अतः दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा इस दूसरे गुणस्थान के भाव को पारणामिक भाव भी कहते हैं। देखो अब मैं प्रश्न पूछ लेता हूं, अगर यहां पर हम अनंतान दर्शन मोहनीय के साथ अनंतानुबंधी भी लगा दें तो बताओ प्रशांत, दर्शन मोहनीय के साथ अगर अनंतानुबंधी लगा दें तो आयुष लक्षित सचिन बताओ, अगर अपन यहाँ दर्शन मोहिनी कहा और इसके साथ साथ अनंतानुबंधी भी संग में फ्री में बाई दर्शन मन गेट बाई दर्शन मोहिनी है गेट अनंतानुबंधी फ्री, तो अगर अनंतानुबंधी भी इसमें लगा दें तो क्या दिक्कत है, मैं बताऊँ? हाँ बोलो। पूछू नयन बताओ, यहाँ ये कहा है कि दर्शन, यहाँ ये कहा कि दूसरे गुणस्थान के जो परिणाम होते हैं वे पारनामिक होते हैं क्योंकि दर्शन मोहनी का उपशम चाहे क्षयोपशम से कोई संबंध नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर दर्शन मोहनी के साथ अनंतानुबंधी लगा दे तो कोई दिक्कत है? तो फिर बता पति। बिल्कुल, बस इतना सा सिंपल सा आंसर था। मैं आप लोगों से एक बार समझा करूँ, मैं आप लोगों से जितने भी प्रश्न पूछता हूँ ना वो बहुत भयंकर लॉजिक वाले या आगम प्रमाण वाले तो कभी पूछूंगा ही नहीं, मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ जो लॉजिकली होते, ये तो लॉजिक वाला है। अरे सीधी सच्ची सी बात है, आप समझो, आप सभी लोग डीप में जाके समझो, थोड़ा वो रटो मतलब उस तरीके से मैं नहीं चाहता। एक बात समझो, कल हमने ये देखा था कि जब दूसरा गुणस्थान जो होता है वो अनंतानुबंधी की अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आता है तभी तो दूसरा गुणस्थान होता है। अगर हम अपन अनंतानुबंधी को भी ले लेंगे तो दूसरा गुणस्थान होगा कैसे? कॉमन सेंस वाली बात है ये, तो ये सबसे पहले आना चाहिए। परिभाषा में क्या दिया गया था कि अनंतानुबंधी चतुष्क में, सचिन समझ में आया आपको? अपने पे ध्यान दो, अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आ जाए, आप लोग थे नहीं इसलिए आप लोग को और ध्यान देना चाहिए। अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आता है तब दूसरा गुणस्थान होता है।
अगर वो भी नहीं, अगर उसको भी अपन नहीं लेंगे, उसका भी उदय नहीं लेंगे, फिर दूसरा गुड़िस्तान कैसे संभव होगा? ठीक है, मुझे तो, मैं पता है आप लोग को इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बुरा लगता है अगर आप लोग का विषय छूट जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब पता नहीं आप लोग कैसे करोगे, मतलब कैसे कैच कर पाओगे, इसलिए मेरा भाव होता है। बाकी अटेंडेंस वटेंडेंस आप लोगों को भी पता है कि मेरे को इससे कोई वो नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, और भाई के नाते आपको समझा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ कह रहे हैं एक विवक्षा ये भी है कि दूसरे गुणस्थान के जो परिणाम होते हैं वे पारिणामिक भाव हैं। ये आ सकता है, ये छोटे छोटे कॉमन, मतलब इतना मैं इसको दो नंबर में भी पूछ सकता हूँ, मैं फिलिंदा ब्लैंक्स में भी पूछ सकता हूँ, मैं इसको ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता हूँ, मैं इसको मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता हूँ। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना चाहिए, है ना? ये कैसे आप हर चीज़ का उत्तर कैसे दे सकते हो? हर चीज़ का उत्तर ऐसे दे सकते हो जब आप उसको गहराई से समझोगे, इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। ये अपेक्षा क्या है ये समझ लो बस। अगर मैं फिलिंदा ब्लैंक्स में दे दूं तो आप लोग लिख सकते हैं। आगे मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान पर्यंत के चार गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से हैं। ये तो अपन ने समझा था, याद है ना? पहले से चौथे तक किसकी अपेक्षा से हैं? दर्शन मोहनी, मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान होते हैं, याद है? तो अपन ने समझा था कि मोह में दर्शन मोह होता है, चारित्र मोह होता है। पहले से लेकर चौथे तक जो के जो गुणस्थान है वो दर्शन मोह की अपेक्षा से हैं। और दूसरे गुणस्थान की जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसमें दर्शन मोह का क्या नहीं होता? ना उदय होता है, ना उपशम होता है, ना क्षय होता है, ना तो जिसकी अपेक्षा से भी गुणस्थान का डिवाइड है उसका तो यहाँ कुछ रोल ही नहीं है। तो जब उसका यहाँ कुछ रोल ही नहीं है तो इसलिए कहा कि इस अपेक्षा से वो पारिणामिक भाव है। देखो देवांश पढ़ते हैं अपन, ध्यान दो। मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान पर्यंत के चार गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से हैं। दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहनीय कर्म के उदय आदि की अपेक्षा नहीं है, अतः दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा यहाँ पारिणामिकपना घटित होता है। जहाँ जिस अपेक्षा से कथन किया हो वहाँ उस अपेक्षा से समझ लेना चाहिए। ठीक है, आगे सासाधन गुणस्थान का काल औपशमिक सम्यक्त का ही काल है। ठीक है, क्योंकि जब प्रथमोपशम सम्यक्त का अंतर्मूर्त का, चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, यहाँ ये पॉइंट है, कल अपन समझ चुके थे इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सासाधन गुणस्थान का काल औपशमिक सम्यक्त का ही काल है, इसे सिद्ध कीजिए। देवांश बताओगे, याद है? बताओ। इसमें पता है, ये अब देखो आपको समझना चाहिए, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ये उदाहरण इसलिए दिया गया था ताकि वो नीचे गिर रहा है। अगर आपको यही बात समझानी थी ना तो आपको वो पेपर वाला उदाहरण लेना चाहिए था। आया पेपर वाला? कौन सा? ये 3 घंटे का पेपर है, अगर 2 घंटे में करके आ गया तो भी उसका जो 1 घंटा है वो पेपर का ही काल है। इसमें ये वाला उदाहरण आप लोग को समझ नहीं, देखो अगर हम खुद नहीं समझेंगे आप लोग कभी नहीं समझा पाओगे, एक फैक्ट है। अगर आप में से कोई भी, देखो एक तो हमें अपने लिए भी समझना है, मात्र समझाने के लिए थोड़ी ना समझना है, हमें अपना भी तो हित करना है। जब तक हम खुद नहीं समझेंगे तब तक हम किसी दूसरे को कैसे समझा पाएंगे? और आप सभी लोग विद्वान हो, आप सभी लोग श्रोता नहीं हो, आप लोग को खुद भी समझना है और आपकी ड्यूटी ये है कि आपको दूसरों को भी समझाना है। ये आप सभी लोगों का कर्तव्य है और हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा गहराई में, अब देखो आप लोग को ये समझना चाहिए कि किस उदाहरण के लिए, जिस जो बात मैं समझा रहा हूँ उसके लिए कौन सा उदाहरण सही बैठता है। आपका उदाहरण बिल्कुल सही था और बिल्कुल भी उसमें कोई गलत नहीं था, लेकिन वो इस टॉपिक को समझाने के लिए नहीं था, ये ध्यान रखना चाहिए। वो अगर इस आपको ये टॉपिक समझाना था तो आपको वो पेपर वाला उदाहरण लेना चाहिए था। ठीक है, उदाहरण तो हो गया, मुझे उत्तर नहीं मिला लेकिन अभी भी ये क्या प्रश्न क्या किया था, ये औपशमिक सम्यक्त का ही काल है सिद्ध कीजिए। दीपक बता सकते हो क्या आप, ये औपशमिक सम्यक्त का ही काल है क्यों? ठीक है, हाँ हाँ, एक अंतर्मूर्त। ये याद करो, ये बेसिक चीजें हैं। औपशमिक सम्यक्त का काल अंतर्मूर्त ही होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत उसमें दिमाग को वो पहचाना हो। ठीक है चलो आगे देखो, अनुभव बताएगा, बताओ अनुभव। हम्म,
बस इतना सा आंसर था। अगर आपने परिभाषा कल की ठीक पढ़ी हो तो आप इतना सा आंसर दे सकते थे। हमने कल ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि औपशमिक सम्यक्त में से परिभाषा देखो, आप सभी लोग परिभाषा पढ़ो, चलो निकालो। अब ऐसे बच्चों में फिर ऐसे करके पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, पढ़ो चलो जल्दी निकालो परिभाषा निकालो, पढ़ो क्या लिखा है उसमें, पढ़ो मन में सब लोग पढ़ो एक बार। खोल के बताओ भाई, उसको मिल गया देखो। मिल गया आंसर, मिल गया परिभाषा में है कि नहीं। और ये सभी को आपको परिभाषा ज्यों की तो याद करनी है परिभाषा, ठीक है। चलिए अब इसका उत्तर आप लोग को मिल गया होगा, नहीं आया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट, मिथ्यात्व दर्शन मुनि परिणाम के निमित्त से प्रथम गुणस्थान में बनने वाली 16 कर्म प्रकृतियों का यहाँ बंद नहीं होता। नियम यह है, जो यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व दर्शन मुनि के निमित्त से जो 16 प्रकृतियाँ बनती हैं, क्योंकि उसका उदय नहीं है, उपशम नहीं है, क्षय नहीं है और क्षय उपशम नहीं है, तो उनके निमित्त से जो 16 प्रकृतियाँ बनती हैं वे यहाँ पर 16 प्रकृतियाँ नहीं बनती हैं। आगे ये छोटे छोटे नियम हैं, अनंतानुबंधी कषाय रूप औदयिक परिणामों से बंधने योग्य 25 प्रकृतियों का यहाँ बंध होता है। अरे सीधी सी बात है, देखो अब ये कॉमन सेंस, इसमें मैं आपको बताऊँ याद कैसे किया जाता है। सीधी सी बात इतनी सी है कि अनंतानुबंधी, देखो दर्शन मोनी और अनंतानुबंधी दो की अपेक्षा से बात की जा रही है। दर्शन मोनी से 16 प्रकृतियाँ जो बनती हैं वो यहाँ नहीं बनेंगी, लेकिन अनंतानुबंधी से जो प्रकृतियाँ बनती हैं, कितनी बनती हैं, कितनी बताई थी यहाँ, है ना, नीचे वाले में दर्शन मोहनी की 16 प्रकृतियां और अंतानुबंधी की 25। देखो फिर से पढ़ो, मिथ्यात्व दर्शन मोहनी परिणाम के निमित्त से प्रथम गुणस्थान में बनने वाली 16 कर्म प्रकृतियों का यहाँ बंद नहीं होता। अनंतानुबंधी कषाय रूप औदयिक परिणामों से बंधने योग्य 25 प्रकृतियों का यहाँ बंद होता है। मैं पूछूं क्यों होता है, बता सकते हो क्यों होता है पीयूष, बता सकते हो, बताओ। दर्शन मुनि का उदय नहीं है, ये तो नहीं होता वाली बात है, अनंतानुबंधी की 25 प्रकृतियों का बंद क्यों होता है? बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ये सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी की किसी एक के उदय से ही तो दूसरा गुणस्थान होता है, तो उसके किसी एक के उदय से जब दूसरा गुणस्थान हुआ तो अनंतानुबंधी से जो प्रकृतियां बनती हैं तो वे भी निश्चित तौर से बनेंगी और वे प्रकृतियां 25 होती हैं। इतना बस याद करने की बात है। आगे पंडित प्रवर टोडामल जी का सासातन गुणस्थान संबंधी सूक्ष्म चिंतन का भी विशेष महत्व रखता है, अतः उनके शब्दों में ही हम आगे दे रहे हैं। ये तो सचमुच सूक्ष्म है, देखते हैं आप लोग कितना समझेंगे कितना नहीं समझेंगे। जल्दी देखिए, मैंने तो सोचा था कि आज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, तो चारित्र का घात करे इससे सम्यक्त का घात किस प्रकार संभव है, ये बोलो। अपन कल बात कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं इसके बारे में, कल हमने बात की थी, प्रशांत बता सकते हो, कल तुम नहीं भी आए हो, अगर तुमने पहले का पढ़ा है तो आज जवाब दे सकते हो। आयुष, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? फिर से क्वेश्चन बहुत नॉर्मली है, अनंतानुबंधी दर्शन मोनी की प्रकृति है कि चारित्र मोनी की, चारित्र मोनी की प्रकृति है ना, जब चारित्र मोनी की प्रकृति है लक्षित, तो फिर वो सम्यक दर्शन का घात क्यों कर रही है, उसको तो चारित्र का घात करना चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो आप लोग, आप लोग नहीं मैं ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ बताओ, बता रहे आयुष बताओगे, ये कल वाले मत उठाओ, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि देखो कितनी चर्चा कल हो जाती है। लक्षित अगल बगल वाले ने बताया, बोलो बिल्कुल सही होता है। अपन ने अनंतानुबंधी की जब परिभाषा पढ़ी थी तब ये देखा था कि अनंतानुबंधी द्वि स्वभावी होती है, वो सम्यक दर्शन का भी घात करती है और सम्यक चारित्र का भी घात करती है। लेकिन टोडामल जी यहाँ दूसरी अपेक्षा से उत्तर दे रहे हैं, वो क्या अपेक्षा है, थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ सकता है, लेकिन आपको उपयोग सूक्ष्म हो तो डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। देखो, अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता, अतत्व श्रद्धान तो दर्शन मोनी मिथ्यात्व के कारण होता है,
इसलिए अनंतानुबंधी चारित्री का घात करती है, सम्यक्त का घात नहीं करती। सो परमार्थ से है तो ऐसा ही। टोडामल जी कभी ये नहीं कहते कि आपने गलत कहा, ये टोडामल जी की वो शैली नहीं है। टोडामल जी आपने जो बताया ना वो पहले सिद्ध कर देंगे, हाँ साहब आपने जो कहा वो इस अपेक्षा से ऐसा ही होता है, लेकिन हम जिस अपेक्षा से बात कर रहे हैं उसको समझो। परंतु अनंतानुबंधी के उदय से, ये बहुत एक लाइन में उत्तर है, अंडरलाइन करना सभी लोग। परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते हैं वैसे क्रोधाधिक सम्यक्त होने पर नहीं होते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया कि समझाऊं इसको? देखो समझते हैं अपन इसको, जल्दी से समझिए क्योंकि आज ये कंप्लीट करना है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि यद्यपि अनंतानुबंधी चारित्र का ही घात करती है, सम्यक दर्शन का घात नहीं करती, हमने मान लिया। द्विस्वभावी वाली अपेक्षा बात अभी अलग रखना, ठीक है? हमने मान लिया कि वो चारित्र मोनी की प्रकृति है और चारित्र का ही घात करती है, आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ क्या अपेक्षा बता दी? यहाँ ये कहा कि जैसे अनंतानुबंधी के उदय पे क्रोधमान माया लोभ होते हैं वैसे सम्यक दृष्टि को नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना भी है, इसीलिए अनंतानुबंधी सम्यक्त का भी घात करती है, ऐसा यहाँ कहा। अब उदाहरण जो है वही एक उदाहरण में समझाने में मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये सिद्धांत आप लोग को समझना बहुत ईजी हो गया होगा, उदाहरण समझाना मुश्किल पड़ेगा। देखो फिर भी समझते हैं, इधर देखो पहले अपन समझ लें। दो होते हैं ना संसारी जीव, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जीव? दो प्रकार के नहीं बोल रहा हूँ, संसारी जीव दो प्रकार के बोल रहा हूँ, कितने? त्रस और स्थावर। जो त्रस होगा वो स्थावर हो सकता है क्या? जो स्थावर होगा वो त्रस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये नियम है ना, एक दूसरे को बाधक है, ये दोनों प्रकृतियां ये एक दूसरे की विरोधी हैं। विरोधी का मतलब समझ में आ गया, जो त्रस होगा वो स्थावर नहीं होगा, जो स्थावर होगा वो त्रस नहीं होगा। अब यहां पर अब वो उदाहरण ही समझाना मुश्किल पड़ जाता है। अब यहां ये कह रहे हैं देखो स्थावर वाला कितना इंद्रिय होता है? एक इंद्रिय होता है। तो यहां ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से स्थावर जो प्रकृति है वो किसकी बाधक है? त्रस की बाधक है, त्रस के विरुद्ध है। लेकिन जब ऐसा कहते हैं तो एक अपेक्षा से ये भी मतलब होता है कि एक इंद्रिय जो है वो भी त्रस की विरोधी है, क्योंकि एक इंद्रिय वाला नियम से ही क्या होता है? क्या एक इंद्रिय वाला त्रस हो, क्या बोल रहे, एक इंद्रिय वाला त्रस होता है? एक इंद्रिय वाला त्रस हो सकता है? अगर मैं आपको यही मान लो ऐसा कॉमन सेंस वाला भेज दूं तो एक इंद्रिय वाला त्रस होता ही नहीं है। इसका मतलब समझो कि बालबोध पाठमाला एक पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट था, है ना? एक इंद्रिय वाला तो त्रस होता ही नहीं है, और एक इंद्रिय वाला त्रस नहीं होता, एक इंद्रिय वाला नियम से ही स्थावर होता है। जिस प्रकार से स्थावर त्रस की बाधक है, त्रस स्थावर की बाधक है, तो अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एक इंद्रिय त्रस की बाधक है, क्योंकि एक इंद्रिय वाला नियम से क्या होता है? स्थावर ही होता है। ऐसे ही यहां कह रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मिथ्यात्वी सम्यक्त का घात करती है, लेकिन मिथ्यात के साथ साथ उसकी सहेली कौन है? अनंतानुबंधी। तो हम उपचार से ये भी कहते हैं कि अनंतानुबंधी भी सम्यक्त का घात करती है। समझ में आ गया तो ठीक है। देखो जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति है, परंतु त्रसपना होने पर एक इंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता है, इसलिए उपचार से एक इंद्रिय जाति को भी त्रसपने का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक साथ होते हैं। उसी प्रकार सम्यक का घातक तो दर्शन मोह है, परंतु सम्यक्त होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। अब आप लोग को मैं प्रश्न दूं ना तो आपको दोनों उत्तर आने चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे, द्विस्वभावी वाला और ये टोटम जी वाला। आगे अंतिम आज की चर्चा का हमारा अंतिम प्रश्न है, ये टोडामल जी की मोक्षमार्ग प्रकाशक में से समझा रहे हैं। यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक का घात नहीं करती, तो इसका उदय होने पर सम्यक्त से भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करते हैं? ऐसा कैसे होता है? देखो जैसे पहले उदाहरण समझा देता हूँ, ये तो सब समझ जाएंगे। जैसे कोई किसी की मनुष्य आयु है और मनुष्य आयु होने पर उसको कोई एक ऐसा रोग हो गया जो बिल्कुल सही नहीं हो पा रहा है, और उस रोग के कारण उसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। तो अपन ऐसा कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं कि रोग के कारण उस व्यक्ति की मनुष्य आयु समाप्त हो गई। वास्तव में देखा जाए तो आयु कर्म पूरी हो गया था उसका, लेकिन अपन कहते हैं कि नहीं कहते कि रोग के कारण उसकी मनुष्य आयु पूरी हो गई। अभी इतना ही उदाहरण नहीं, उस मनुष्य आयु को पूर करके वो दूसरी गतियों में जाएगा कि नहीं जाएगा? मान लो कि वो देव गति में गया,
तो कदाचित ऐसे भी कह सकते हैं कि वो रोग के कारण देवगति में गया, इतना लंबा कनेक्शन। क्यों? अगर रोग नहीं होता तो वो निमित्त अपेक्षा से मरता नहीं, मरता नहीं तो मनुष्य आयु छूटती नहीं, और मनुष्य आयु छूटती नहीं तो वो देव, ये सब कनेक्शन है। तो ऐसे भी कह सकते हैं वो रोग के कारण देव बना। ये आया, ये कथन मतलब कहने का तरीका है, यही स्यादवाद है। इसीलिए पूरी जिनवाणी स्यादवाद में लिखी गई है। देखो अब यही समझा रहे हैं, जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय के नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ हो, बहुत भयंकर वाला, उसको मनुष्य पर्याय को छोड़ने वाला कहते हैं। किसको? वो रोग को। तथा मनुष्यपना दूर होने पर देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई, क्योंकि देवों को रोग नहीं होता। यहां मनुष्य ही का आयु है। उसी प्रकार सम्यक्ति के सम्यक्त के नाश का कारण तो अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ, उसे सम्यक्त का विरोधक सासाधन कहा। तथा सम्यक्त का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है, वह तो सासाधन में नहीं हुआ, यहाँ उपशम सम्यक्त का ही काल है, ऐसा जानना। इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, इसलिए सात प्रकृतियों के उपशम आदि से भी सम्यक्त की प्राप्ति कही जाती है ना। इस प्रकार से हमारे यहाँ दूसरे गुणस्थान की चर्चा समाप्त होती है। अब हम अगले मंडे को, नेक्स्ट मंडे को, क्या चीज? छह अवली। कैटेगरी मतलब ऑप्शन में सम्यक दृष्टि बताया ना, यही ऑप्शन। हाँ कौन सा जीव, ये समझ नहीं आया, कौन सा जीव का मतलब क्या? हाँ जो नहीं आते वो बता दिया, अब इनको छोड़कर कोई भी आ सकता है, लेकिन नियम से आते हो ऐसा भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो यहाँ नहीं बताया गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये तो ये बताया गया कि कौन कौन नहीं आता है, जो नहीं आते वो बता दिया, जो जो आ सकते हैं वो बता दिया। अब कैटेगरी इसकी क्या है वो नहीं, वो ऐसा कोई वो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, है ना। हाँ